डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। स्पीच दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच वह स्पीच होता है जिसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता जो पर क्यों व्यक्त करते हैं। अर्थात मान लीजिए हमने कोई बात सेकंड पर्सन को कही और सेकंड पर्सन उस बात में कोई चेंज नहीं करते हुए वही बात थर्ड पर्सन को वैसा का वैसा ही बोल दे या बता दे तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। जैसा आपको इस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है कि एक पार्ट जो है इसमें, यहाँ पर आपको जो ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बाहर आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिखाई दे रहा है। जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के बाहर है इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच वह स्पीच होता है जिसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता ज्यों का त्यों व्यक्त न करके बदल कर चेंज करके उसे अपने शब्दों में कहे। जैसे हमने कोई बात किसी सेकंड पर्सन को कही और सेकंड पर्सन उस बात को वैसी की वैसी न बताकर उसमें कुछ चेंज करते हुए उस बात को थर्ड पर्सन को कहे तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको अब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इन दोनों सेंटेंस में आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जहां पर आपको यहां सेड टू दिया हुआ है उसके स्थान पर हमने इनडायरेक्ट में टोल्ड कर दिया है। सेकंड, दोनों पार्ट अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया है और दोनों को जोड़ने के लिए हमने यहां पर डैश लगाया है। और थर्ड चेंज जो हमने किया है वो है इज, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब थी उसे भी हमने चेंज कर दिया है, इसके स्थान पर हमने यहां पर वाच कर दिया है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।